और बड़ी खबर आ रही है गुना से, जहां पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह का बड़ा बयान आया। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध का हमारे राज्य में कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी सरकार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी समाजों का बीजेपी को समर्थन मिल रहा है और राज्य में सक्सेस हो रही है अमित शाह की रैलियां। मंगलवार को गुना में रोड शो करेंगे अमित शाह और तैयारियों का जायजा लेने राकेश सिंह यहाँ पर आए थे और इस दौरान उन्होंने SC ST एक्ट को लेकर जो सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे थे उस पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इसका विरोध का कोई असर राज्य में नहीं पड़ रहा है और सरकार पर भी और हमारी पार्टी पर भी कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। लोग अमित शाह को सुन रहे हैं और एक बार फिर जब रोड शो करेंगे तो भारी संख्या में लोग उनका साथ देंगे। और जिस तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसका कोई फर्क राज्य की जनता पर नहीं पड़ रहा है और न चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा। मंगलवार को अमित शाह का रोड शो यहाँ पर होना है। तैयारियों के जायजा के लिए एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे थे और इस दौरान एट्रोसिटी एक्ट को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि इसका जो विरोध हो रहा है उसका कोई खास असर नहीं है, चुनाव के दौरान उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी को चौथी बार सत्ता में जनता ले आएगी। और राजकुमार रजक हमारे संवाददाता गुना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, अमित शाह की रैली है, रोड शो है, उसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने वहां पर पहुंचे हैं, कितनी तैयारियां और बड़ा बयान कि भाई SC ST एक्ट का जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं दिख रहा है। जी मैं बता दूं आपके लिए, कल अमित शाह गुना शहर में पहुंचेंगे और एक बड़ा रोड शो किया जाएगा। यहां पर गढ़ है एक दिग्विजय सिंह का, दूसरी तरफ ज्योतिराज सिंधिया का, एक यहाँ पे एक माना जा सकता है कि यहाँ के कैंडिडेट किस तरीके से रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के यहाँ पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रहा है कि यहाँ दिग्विजय सिंह और सिंधिया के गढ़ में जो सीटें नहीं निकल पा रही उनको निकालने में भाजपा पूरी जोर जोर एड़ी चोटी से जोर लगाने में लगी हुई है। और वहीं राकेश सिंह जी से जब पूछा गया इस तरीके से SC ST का क्या असर है भाजपा के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि सारी समाज जो हमारे साथ हैं लेकिन ऐसा कोई असर नहीं नजर आ रहा मध्य प्रदेश में।